सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो गाइस, यहां पर जब से Xiaomi ने MIUI 12 को रिलीज़ किया है, उसके बाद कई लोगों को यहां पर उसका जो कंट्रोल सेंटर है वो बड़ा ही पसंद आ रहा है और कुछ लोग इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहां पर एक डेवलपर ने, अगर आपको पता है तो, कुछ दिनों पहले इसका जो ऐप है उसको बना डाला था। इसके मदद से आप कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इसको इनेबल कर सकते थे। तो आज के दिन उसका एक अपडेट निकल के आया है। इसका जो भी बग था वो अभी फिक्स हो चुका है, तो अभी आपको इसमें कोई भी लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप जैसे ही स्वाइप करेंगे तो ये इनेबल हो जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी लैगिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी स्मूथली ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ऑफिशियल जो MIUI 12 है उसी की तरह ये वर्क करता है। अगर आप यहाँ से राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर ओपन होगा, और अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन साइड ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से ये भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो ये ऑफिशियल जो MIUI 12 है उसी की तरह ये एक्सपांड होता है। यहाँ पर आपको जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। पहले ये एडिट का ऑप्शन सही तरीके से वर्क नहीं करता था, अभी ये सही तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ से आप इसका टोंगल वगैरह उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली सेटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको वो ऐप दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन सेट को इनेबल कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये डिसेबल हो जाएगा, यानी कि आपका सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फिक्स सेटिंग है वो वापस से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से वापस से कंट्रोल सेंटर को इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आपको इसका एरिया है, टच एरिया, उसको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि कितने एरिया में आपको ये सेटिंग रखना है। तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन को रिमूव करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन रिमूव कर देंगे तो ये चला जाएगा। वापस से हम इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से क्विकली ये वापस से इनेबल हो जाएगा। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको लेआउट और कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेआउट में आप इसका जो भी लेआउट वगैरह टोंगल वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पर टाइल्स में कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। तो ये गाइस प्रीमियम फीचर है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कलर्स की। तो कलर्स में आपको कुछ फ्री ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड टाइप में हम यहाँ पर इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कस्टम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो भी फोटो वगैरह इसमें लगाना है उसको लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। यहाँ से आप ब्लर अमाउंट और इसका जो ओपेसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको फुल कर देते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे थीमिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डार्क कलर्स और लाइट कलर्स का सपोर्ट मिल जाता है। डायनेमिक कलर नोटिफिकेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर आप चाहे तो इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ये ऐप जो है वो वर्क करने वाला है। सो अभी गाइस मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर बस आपको इसका एपीके फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है। आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन है उस पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको Xiaomi का मोबाइल ही होना चाहिए। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद इसको आपने इनेबल कर देना है। यहाँ पर जितने भी परमिशन ये ऐप मांग रहा है आपसे उसको आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका जो परमिशन मेनू है उसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट का परमिशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पर ऐप परमिशन में इसको आपने अलाउ कर देना है। अगर आपको लोकेशन को अलाउ नहीं करना है तो इसको आप डिनाई कर सकते हैं, पर इन दोनों परमिशन को आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अदर परमिशन में आपको इन सभी को ग्रीन कर देना है, यानी कि इन सभी को आपने अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से आप इसका परमिशन वगैरह को अलाउ कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर बैटरी सर्वर है उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन है उसको कर देना है, वरना ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। तो इस तरीके से गाइस आप MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर है उसको बड़ी आसानी से कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन या फिर दूसरी कंपनी का स्मार्टफोन है उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नए वीडियो में।